तो गाइज आज करने वाले हैं आईफोन XR के बारे में बात। एंड XR की तो पहले ही वीडियो बनाई है, लेकिन आज करेंगे XR की पबजी टेस्ट एंड पबजी खेलेंगे एंड ग्राफिक सपोर्ट कितने करते हैं सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वैसे एक बात देखी जाए तो आईफोन जैसा कोई फ़ोन है ही नहीं। प्राइस में भी मानता हूँ कि ओवर प्राइस रहते हैं आईफोन के। अगर आपको भी लगता है कि ओवर प्राइस रहते हैं तो कमेंट बिलो। एंड क्वालिटी तो देते ही देते हैं वैसे तो, वो वर्थ भी लगते हैं किसी को नहीं लगते। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं आईफोन XR के बारे में बात। आज गाइस देख लेंगे असली सच्चाई कि आईफोन XR में कितने ग्राफिक सपोर्ट करते हैं एंड गेम प्ले कैसे चलता है। XR की मैंने पहले ही वीडियो बनाई थी, आई बटन में लिंक करा होगा, वहां जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और गाइस मेरा नाम है तुषार, आप देख रहे हैं टेक तुषार, लेट गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप जो ग्राफिक्स चल रहे हैं स्मूथ विद एक्सट्रीम पर चल रहे हैं, मतलब 60 FPS पर सपोर्ट करता है एंड यहाँ पर जायरोस्कोप भी काफ़ी बढ़िया वर्क करता है। सो यहाँ पर हम ग्राफिक टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कैसा, मतलब ग्राफिक कितने चल जाते हैं इसमें। सो हम पानी के पास जाते हैं, यहाँ पर जो पानी है तो पानी की क्वालिटी एंड यहाँ पर पत्थर वगैरह की क्वालिटी देखेंगे। सो करते हैं यहाँ पर ग्राफिक चेंज इसके एंड दिखा देता हूँ मैं कि स्मूथ विद एक्सट्रीम पर जो चल रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि पानी की क्वालिटी एंड ये कलर्स कुछ ऐसे आ रहे हैं, मतलब फीके आ रहे हैं एंड आपको अलग ही दिख जाएगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मूथ विद एक्सट्रीम एंड यहाँ पर बैलेंस पर एक्सट्रीम, HDR पर भी एक्सट्रीम चल रहे हैं गाइज। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर है इसका एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको डिटेल्स एंड कलर्स में भी फ़र्क दिखेगा एंड पानी की क्वालिटी में भी फ़र्क दिखेगा। और अगर आपको दिख नहीं रहा है ना स्क्रीन पर तो मैं बता रहा हूँ गाइज यहाँ पर बढ़िया ग्राफिक्स दिख रहे हैं। सिर्फ कहने का मतलब ये है कि काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स हो गए हैं एंड डिटेल्स वगैरह भी दिखती हैं। सो स्मूथ में दिखाता हूँ कैसे कलर्स आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो फीके से कलर्स हो गए हैं एंड यहाँ देख लो गाइज। एंड जैसे ही मैं HDR पर स्विच करता हूँ, एक बार दिखा देता हूँ HDR पर स्विच करके। सो यहाँ पर मैंने HDR स्विच कर दिए एंड HDR में ग्राफिक्स चला रहा हूँ विद एक्सट्रीम एंड यहाँ देख सकते हो गाइज। एंड जो गेम प्लेज भी है ना इसके काफ़ी बढ़िया चल रहे हैं। अगर HDR विद एक्सट्रीम फ्रेम रेट पर चल रहा है ना तो ग्राफिक्स भी काफ़ी बढ़िया चलते हैं एंड यहाँ पर मैं HDR विद एक्सट्रीम पर खेल रहा हूँ, नो लैग इशू दिखते हैं गाइज। सच्ची बताता हूँ नो लैग इशू दिखे हैं। जितनी देर भी मैंने खेला है, जितना टाइम भी मैंने इसमें गेम प्ले किया है, काफ़ी बढ़िया चले हैं। सो गाइज एक चीज़ और दिखा देता हूँ, सो वो हम गेम के अंदर नहीं कर सकते जैसे HDR में स्विच कर देते हैं, यहाँ पर अल्ट्रा HD में। ओ भाई मतलब इसमें आईफोन में आप देख सकते हो ग्राफिक कितने सपोर्टिव है, मतलब कितने सपोर्ट करते हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन इसमें तो गाइज HDR विद मतलब एक्सट्रीम पर चल रहे हैं एक्सट्रीम फ्रेम रेट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था लेकिन इसमें तो गाइज HDR विद मतलब एक्सट्रीम पर चल रहे हैं एक्सट्रीम फ्रेम रेट। एंड गाइज वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सो गाइज यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर अल्ट्रा HD में चल रहे हैं एंड यहाँ पर अलग ही दिख रहा है कि 4K बिल्डिंग रेजोल्यूशन ऊपर लिखा हुआ है, 4K बिल्डिंग इंटीरियर वगैरह एंड यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है 4K रेजोल्यूशन करके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अल्ट्रा HD में चल रहे हैं कि हमें स्मूथ में ऐसे दिखेंगे एंड अल्ट्रा HD में ऐसे दिखेंगे, आप देख सकते हो डिफरेंस भी दिखाया हुआ है। तो करते इसको रन एंड देखते कि कैसी क्वालिटी आ रही है। सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वालिटी कैसी है एंड मैं थोड़ा सा रन करके दिखाता हूँ। वैसे जितना भी टाइम मैंने इसमें गेम प्लेस किया है उसमें भी मुझे लैग इशू बिल्कुल भी नहीं दिखे हैं एंड 60 FPS पर मतलब HDR भी 60 FPS पर सपोर्ट कर रहे थे, उसमें भी कोई ग्राफिक्स मतलब लैग इशू कोई भी देखने को नहीं मिला। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज पानी की क्वालिटी क्या हो चुकी है गाइज। एंड यहाँ पर भाई मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा है आईफोन XR में गेमिंग के मामले में काफ़ी बढ़िया हो जाएगा ये। एंड आप देख लो गाइज काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स दे रहा है ये एंड वैसे प्राइस भी ज़्यादा, ग्राफिक्स भी ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा है ना आईफोन XR। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो मैं गेम प्लेस भी करके दिखाता हूँ। सो ये अल्ट्रा HD पर चल रहे हैं एंड यहाँ पर देख सकते हो स्मूथ गेमिंग हो रही है एंड अगर रिफ्रेश रेट अगर ज़्यादा मिलता ना तो भाई साहब और स्मूथ लगते गेम प्लेस आपको। सिर्फ इस फ़ोन में मुझे लगता है कि एक चीज़ की ही कमी है, वो है 60Hz का रिफ्रेश रेट ना होकर 90Hz का रिफ्रेश रेट, क्योंकि गेम प्लेस काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं एंड काफ़ी स्मूथ लगते हैं। तो यहाँ पर गेम प्लेस में नो लैग इशू मुझे देखने को मिले हैं। एंड अगर आप एक आईफोन यूज़र हैं, आप XR यूज़र हैं, सो आपको अगर कोई लैग इशूज़ वगैरह आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे जितनी भी देर मैंने इसमें गेम प्लेस किए हैं कोई भी मुझे लैग इशू नहीं दिखा है एंड काफ़ी बढ़िया गेम प्लेस हो जाते हैं इसमें। सो ऐसे पता लगता है कि इसका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है एंड
यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा है गाइस, जो भी ये गेम प्लेस कर रहा हूँ मैं, एंड काफ़ी मज़ा आ रहा है खेलने में। तो यहाँ पर मैं सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ एक बार। तो अल्ट्रा HD में चल रहे थे, एंड सिर्फ इस वीडियो में इतना ही, एंड गेम प्लेस काफ़ी बढ़िया है, जायरोस्कोप काफ़ी बढ़िया वर्क कर रहा था। तो ये है हमारा आईफोन। अगर आपको कोई क्वेरी हो या फिर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बिलो, एंड एनी क्वेरी सो कमेंट बिलो आल्सो। सो गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, एंड दबोच लीजिए सब्सक्राइब बटन को, और उसको ग्रे कर दीजिए, रेड होगा वो ग्रे कर दीजिए, एंड कैसे ना कैसे करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हमारे चैनल को हेल्प भी हो जाएगी, एंड भाई सब्सक्राइब तो बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब कर लो फ्री। क्वेरी हो रिलेटेड टू दिस वीडियो सो कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर कोई और मतलब पहले भी वीडियोस बनाई होंगी वो भी जाकर देख लेना, चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं, स्पीड टेस्ट कंपैरिजन के लिए भी चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी बड़े वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो स्टे ट्यून्ड।